अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं अंडा बिरयानी बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आप घर पर अंडा बिरयानी बनाना सीख सकते हैं आसानी से, और ये सबको पसंद भी बहुत आता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, और मैंने पहले ही प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। अब मैं इसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डालूंगी, और इसे लाल होने दूंगी। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज को अच्छी तरीके से भूनूंगी 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा ढक देती हूँ ताकि वो थोड़ा गल जाए। अब इसे खोल करके देख रही हूँ, हाँ ठीक है अभी। अब चलिए इधर आते हैं चावल की तरफ। देखिए मैं पानी मैंने चढ़ा लिया है, और उसमें तेल, पत्रक, नमक और थोड़ा शान का बिरयानी मसाला डाल देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आएगा। ऐसे छोड़ देती हूँ जब तक के उबाल ना आ जाए। अब इधर प्याज की तरफ आती हूँ, इसमें हल्दी, मिर्चा और धनिया का पाउडर, और ज़रा चलाऊँगी इसे। और अच्छी तरीके से इसे भूनूंगी जब तक कि प्याज गल ना जाए। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर का प्यूरी बना के रखा था, उसे डाल देती हूँ, और फिर मैं इसे चलाऊंगी। अच्छी तरीके से भूनूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच शान बिरयानी मसाला डाल दूंगी, और फिर अच्छे तरीके से इसे भूनूंगी। देखिए थोड़ा प्यूरी गाढ़ा हो रहा है, और इसे थोड़ा ढक करके रखूंगी। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि इसे ठंडा होने दूंगी ताकि दही डालना है, दही कहीं फट ना जाए। अब इधर आते हैं चावल की तरफ। मैंने 1 अंडा इसमें डाल दिया था पहले से ही, क्योंकि जिसमें मैं अंडा उबालती हूँ उसमें 7 ही अंडा डालने का स्पेस है। और मैं मटर डाल दी इसमें। मटर डालने के बाद अब मैंने चावल भिंगो के रखा था, अब मैं उसको डाल दूँगी। और चावल भी अच्छा लेना पड़ता है, ताकि बिरयानी का चावल लंबा लंबा रहता है तो अच्छा लगता है। मैं इसे थोड़ा चला दूँगी। अब आते हैं इधर मसाला की तरफ। मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसमें दही फेंट के इसमें डाल देती हूँ। 3-4 चम्मच मैंने दही डाला है, और दही डालने के बाद मैं इसे थोड़ा चलाऊँगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और अच्छी तरीके से थोड़ा ठीक ठाक से भून भान कर लेती हूँ। मेरा गैस ऑफ हो गया था तो फिर से मैंने ऑन किया है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी हस्ब ज़ायका, और फिर मैं इसे चलाऊंगी।
इसमें बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, और फिर इसे मैं ढक दूंगी। ये हमारा मसाला भून करके बिल्कुल तैयार हो गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं चावल की तरफ आती हूँ। चावल में उबाल आना भी बाकी है, देखती हूँ। हाँ, अभी चावल नहीं हुआ है। अब चावल में उबाल अच्छे तरीके से आ गया और चावल भी माशाल्लाह हो गया है। और अब मैं चावल को छान लूँगी। अब मैंने एक पैन लिया है और मेरा चावल देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। और उसमें सरसों का तेल डालूँगी। ताकि अंडा को मैं इसमें फ्राई कर सकूँ। तेल थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं इसमें अंडा डालूंगी धीरे धीरे। अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें तेल उड़ता है और वो सब हाथ में लग जाएगा तो बहुत दर्द होता है और ज़ख़म भी बन सकता है। अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लूंगी। मैंने ढक दिया है ताकि मुझे मेरे चेहरे को के ऊपर ना पड़े। अब देखिए अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है और मैं इसको धीरे धीरे निकालूंगी। मैं यहाँ पे कलर लूंगी और इसमें दूध डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। वो कलर डालने में अच्छा लगता है बिरयानी में, तो थोड़ा मैं डार्क ही डालूंगी। यहाँ मैंने अपना प्याज और धनिया पत्ती मैंने चॉप करके रख लिया था और कलर भी है, ये सजाने के लिए प्याज भी है। तो चलिए चलिए हम इसमें तेल डालते हैं कढ़ाई में, ताकि अब बिरयानी को दम करने के लिए हमें रखना है। और थोड़ा पानी भी डाल देते हैं ताकि नीचे से जले नहीं। चावल मैंने थोड़ा सा छटक छटक करके डाला है ताकि इधर उधर सटे नहीं। इसमें मसाला डालेंगे। मैंने इसमें तीन लेयर लगा दिया है और फिर ऊपर से धनिया पत्ती डाल देती हूँ। और फिर थोड़ा सा कलर भी बचा हुआ था उसे मैंने ऊपर से डाल दिया है।
और ऊपर से घी, मैंने नीचे भी थोड़ा घी डाला था लेकिन आप लोग को नहीं दिखा सकी। और फिर बिरयानी मसाला थोड़ा ऊपर से भी छीट दूँगी। अब मैं इसे दम करने के लिए ढक देती हूँ करीब 10 मिनट। अब आते हैं इधर चटनी के तरफ। बिरयानी के मसाले में चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। इसमें ज़ीरा, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती डाल करके मैं चटनी बनाऊंगी। दही भी डाल देती हूँ। दही डालने से थोड़ा इसका स्वाद अच्छा रहेगा और नमक भी। और चलिए चटनी जा करके इसे ग्राइंडर में पीस देते हैं। और ये हमारी चटनी बनके तैयार है। हम इसे निकाल देते हैं इसी बाउल में और इसमें हल्का सा तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। खाने में अच्छा लगेगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर आते हैं बिरयानी की तरफ तो देखते हैं हमारा बिरयानी हो चुका है। बहुत अच्छा है, हमारा अंडा बिरयानी बनके तैयार है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया आएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और ये चटनी के साथ तो आप लोग भी बनाइए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।